प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको सूर्य भगवान की मनोकामना पूरी करने वाली कहानी सुनाऊंगी। सूर्य भगवान पूरे विश्व को रोशनी देते हैं। रोज या सिर्फ रविवार को भी उनकी कथा सुनी जाए तो बिना मांगे ही वो सब कुछ अपने भक्तों को दे देते हैं। बहुत पहले एक ब्राह्मण रहता था। वो रोज नहा धोकर सूर्य भगवान की कहानी सुनता था, पर घर में आते ही उसकी पत्नी उसे ताना मारती कि गृहस्थी कैसे चलेगी। घर के बाहर बैठता तो बच्चे तिरस्कार करते। कुएं पर जाकर बैठता तो वहां पानी भरने आई औरतें बैठने नहीं देती। बहुत परेशान और निराश होकर वो पास के जंगल में चला गया। वहां एक सूखा तालाब और उसके पास एक सूखा पीपल का पेड़ था। ब्राह्मण ने सोचा ये अच्छी जगह है। उसने नहा धोकर पूजा पाठ किया और तत्पश्चात उसने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी बहते बहते तालाब और पीपल की जड़ों में चला गया। अर्घ्य का पानी जाते ही पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया और तालाब दूध से भर गया। सूर्य देवता ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग लो। अचानक आई आवाज से वो डर गया। उसने सोचा, पता नहीं कौन बोल रहा है। तब से प्रतिदिन ब्राह्मण जब भी सूर्य देवता को अर्घ्य देता तो वही आवाज आती। ब्राह्मण रोज डर जाता। वो समझ नहीं पा रहा था कि घने जंगल में किसकी आवाज आ रही है। कोई दिखाई नहीं देता है। डर के मारे उसकी भूख कम होने लगी और वो कमजोर होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, हे पति देव, तुम प्रतिदिन उदास और कमजोर होते जा रहे हो, क्या बात है? पहले तो ब्राह्मण चुप रहा, पर पत्नी के बार बार पूछने पर उसने अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। वो बोला, तुम मुझे घर में बैठने नहीं देती, इसलिए मैं जंगल में जाकर पूजा करता हूँ, पर वहाँ पीपल के पेड़ से आवाज आती है, जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले। जंगल की आवाज मुझे परेशान करती है। ये सुनकर ब्राह्मणी खुशी से उछल पड़ी। वो बोली, अरे वो तो सूर्य देवता होंगे, इस बार जब वो आवाज आए तो तुम उनसे कुछ मांग लेना। ब्राह्मण सीधा साधा था। उसने पूछा, मैं क्या मांगू? ब्राह्मणी ने उसे समझाया, तुम उनसे कहना, मेरे घर में अन्न और धन की कमी ना हो, मेरी झोपड़ी 9 मंजिला बन जाए, घर में दास दासियां, हाथी घोड़े सब कुछ हो, बेटे बेटी, पोते पोतियों, जमाइयों से घर भर जाए, मैं और आप जवान हो जाएं और हमेशा स्वस्थ रहें। अगले दिन ब्राह्मण ने जंगल में जाकर पूजा की। जब सूर्य भगवान ने मांगने को कहा तो उसने ब्राह्मणी की बातें दोहरा दी। भगवान ने सोचा, देखने में तो सीधा साधा लगता था, पर बड़ी बड़ी चीजें मांग ली। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जब ब्राह्मण घर लौटा तो झोपड़ी की जगह महल खड़ा था और बूढ़ी ब्राह्मणी की जगह सजी धजी जवान औरत खड़ी थी। ब्राह्मण को जाते देखकर उसकी पत्नी ने उसे बुलाकर कहा, ब्राह्मण देवता, ये हमारा ही घर है, अंदर आ जाइए। ब्राह्मण ने पूछा, इतने धन का क्या करोगी? ब्राह्मणी ने जवाब दिया, कुंवारी कन्या का विवाह करूंगी, विवाहित लड़कियों का गौना करूंगी। फिर ब्राह्मणी ने निमंत्रण भेजकर ब्राह्मणों को भोज कराया और दान स्वरूप सोने का सिक्का दिया। अब सब लोग राजा को छोड़कर ब्राह्मण की जय बोलने लगे। राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने ब्राह्मण को बुला भेजा और पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया कि सब तेरे प्रशंसक हो गए? ब्राह्मण ने सारी बात बताकर कहा, ये मेरी नहीं सूर्य देव की जय बोलते हैं। सब कुछ सुनकर राजा ने कहा, मेरे यहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं है, पर भोगने के लिए पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। ब्राह्मण ने कहा, आज से घोषणा करवा दीजिए कि सब आपकी जय ना बोलकर सूर्य देवता की जय बोले। राजा ने वैसा ही किया। जल्दी ही महारानी गर्भवती हुई और 9 महीने होने पर एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हें ऊंचा स्थान देंगे। पर ब्राह्मण ने कहा, मुझे नहीं सूर्य भगवान की पूजा और आराधना करें, वही सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जैसा सूरज ने राजा को दिया वैसा ही सबको मिले। तो देखा दोस्तों,
सूर्य देवता की पूजा का चमत्कार। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें।